अस्सलाम वालेकुम डियर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली है। अब हम जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्राइव करेंगे फ्रॉम सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अब हमारे पास सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या है? हमारे पास सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास है सेकंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। और अगर इसमें जी एफ सी की एट द सेम टाइम वैल्यू ज़ीरो होगी तो देन ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन में, जिससे जस्ट हमें पेयर ऑफ लाइंस मिलेंगे। तो ये हमारे पास है सेकंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। हम इस सेकंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से ड्राइव करना चाहते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्राइव करने के लिए यहाँ पर हम पुट कर देते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वन, यानी कोफिशेंट जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वो हमने वन पुट कर दिया एंड h इज इक्वल टू ज़ीरो, h को ज़ीरो पुट कर दिया। अब जब मैं इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा, ये वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एच ज़ीरो एक्स वाई प्लस बी वन पुट किया वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डेफिनेटली ये फैक्टर कंप्लीट ज़ीरो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास बन चुकी है जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब डेफिनेटली अगर ये जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है तो इसका सेंटर होगा, इसका रेडियस होगा। अब इसका सेंटर और रेडियस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसका सेंटर और रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं इसको कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल से। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल से कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे एडिंग जी स्क्वायर एंड एफ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये बना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। इसमें ऐड किया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप नोटिस करें ये प्रोडक्ट है जी और एक्स का। तो हमने इसको जब रीअरेंज किया तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस जी स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या बना, ये हमारे पास प्रोडक्ट है टू एफ वाई, तो हम इसको राइट करेंगे वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस एफ स्क्वायर। रिमेनिंग क्या रहा, रिमेनिंग रहा हमारे पास प्लस का सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, ये फार्मूला ओपन है, वाइंड अप करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, सेम ये बनेगा वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर। और कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब क्योंकि इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट कर सकते हैं नेगेटिव इनटू नेगेटिव जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस इनटू माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसे हम कह देते हैं, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर वन, और पहले से हमने ड्राइव की हुई है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है, बिकॉज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो डेफिनेटली हमारे पास सेंटर क्या बनेगा, एच कॉमा के, ये बनेगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। एंड रेडियस क्या बनेगा, अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो रेडियस बनेगा हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर रूट। तो ये थी हमारे पास जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो हमने ड्राइव की है। हमारे पास जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा माइनस जी कोमा माइनस एफ। और इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पर
ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। डियर स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं सर्कल को। अब ये दोनों हमने क्यों कन्वर्ट की हैं? रीज़न ये है कि सम टाइम हमारे पास हमें इक्वेशन सर्कल की फाइंड करनी होती है और हमें डायरेक्टली सेंटर और रेडियस गिवन होता है। तो अगर हमें डायरेक्ट सेंटर और रेडियस गिवन होगा तो डेफिनेटली हमारे पास जो सूटेबल वे है वो ये है कि इस इक्वेशन में हम डायरेक्ट सेंटर और रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब सम टाइम ऐसा होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है वो इस फॉर्म में होती है, जर्नल इक्वेशन ऑफ दी सर्कल की फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में। अब हमें क्या करना होता है, इस इक्वेशन से सेंटर और रेडियस फाइंड करना होता है। तो इस इक्वेशन से सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए जो हमारे पास इस फॉर्म में होती है, हम डायरेक्टली फार्मूला लगा देते हैं इसको कंपेयर करके, ये वाला सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी स्केयर रूट। तो बेसिकली दोनों इक्वेशन जो हैं सर्कल को रिप्रेजेंट करती हैं। जस्ट सिंप्लीफिकेशन को ईजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन समटाइम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है अप्लाई करते हैं, समटाइम हम जर्नल इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा एक लेक्चर था जो आज जिसमें हमने जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्राइव की। होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।